नमस्कार, ईपीएफ एग्जाम पाथफाइंडर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर यानी कि IUEC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकली इस पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो इसके लिए सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो UGC 7 पॉइंट स्केल में जो ग्रेड बी अवॉर्ड की जाती है, अगर आपके पास वो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आपके पास इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि है 5 साल का एक्सपीरियंस पर्सनल परचेज और स्टोर्स फाइनेंस या और अकाउंट्स में किसी भी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, अगर आपने इसमें इन रोल्स में सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम किया है। मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 40 इयर्स की है। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन प्रोसेस की 2 जून 2020 है और आखिरी डेट 13 जुलाई 2020 है। तो अगर आप इस पोस्ट में या इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप बाकी सभी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पा सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बाकी सभी चीज़ें जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और जो जनरल कंडीशंस हैं इस अपॉइंटमेंट की, वो सभी मिल जाएंगी। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इससे जुड़े कोई भी डाउट या सवाल या डिस्कशंस के लिए आप हमारे कम्युनिटी फोरम पर आ सकते हैं और यहाँ पर इस अपने अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।